साथियों, उसी प्रकार से जहां दो राज्य की सीमाएं मिलती हैं, क्या अभी से प्लान कर सकते हैं कि उन दो राज्य की सीमा पर डेट निश्चित करके, मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाएं मिलती हैं, तो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता उनकी सीमा पर आएंगे, गुजरात के कार्यकर्ता उस दिन उनकी सीमा पर जाएंगे और एक सीमा पर उनके गांव इसके गांव साथ मिलकर के मेंबरशिप बनाएंगे। महाराष्ट्र का गांव होगा वहां गुजरात के लोग भी नजर आएंगे, गुजरात का गांव होगा महाराष्ट्र के लोग नजर आएंगे और उस स्टेट के बॉर्डर के सभी गांवों को मैं कवर कर सकता हूं। मैं कहता हूं एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरे एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये जो रेशाएं बनी हुई है नक्शे पर, मेंबरशिप के द्वारा मैं महाराष्ट्र के गांव को, गुजरात के गांव को, वहां के दिलों को जोड़ने के लिए मैं मेरा कमल खिला सकता हूं क्या? और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, ये सदस्यता अभियान मेरे देश का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है। हमने हमारे ट्राइबल इलाके, मुझे याद है एक सदस्यता अभियान के समय मैं हिमाचल में मेरा दौरा था, ये नड्डा जी के इलाके में, और मैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाना चाहता था। एक पोलिंग बूथ पर जाने में मेरा एक दिन लगता था, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता था और वहां जाकर के 20-22 लोगों की मीटिंग करके मैं नीचे उतरता था, पूरा दिन मेरा चला जाता था। लेकिन मुझे आनंद होता था कि वहां कोई तो होता था जो पूछता था कि साहब ठंड बहुत है, पहले चाय पी लीजिए। यानी किसी ने तो तपस्या की थी, किसी ने तो मेहनत की थी। क्या हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उसमें भी, अभी जैसे आपने देखा होगा पीएम जनमन योजना शुरू की है, ये पीएम जनमन योजना हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे समूह हैं जहां व्यवस्थाएं इतने सालों के बाद भी पहुंच नहीं पाई थी। हमने पीएम जनमन योजना बना करके स्पेशल एफर्ट शुरू किया है, वो पॉलिटिकल वोट बैंक की ताकत नहीं है क्योंकि बहुत छोटी संख्या में है। लेकिन साथियों, अगर उंगली का नाखून भी पक जाता है ना तो पूरे शरीर में दर्द होता है, वो भी तो मेरा शरीर के हिस्से हैं, वो दुखी हो पीड़ित हो, मेरे देश में मुझे भी उसकी पीड़ा होती है। इस पीड़ा का अनुभव करते हैं तब जाकर के पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। सरकार तो पहुंचेगी, रोड भी बन जाएंगे, बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन कमल कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा? और इसलिए साथियों, हम इस प्रकार से फोकस करके इन समाजों तक हम पहुंच सकते हैं क्या? आज देश में वो लोग जिन्होंने तीन तीन चार चार पीढ़ी में पक्का घर नहीं देखा था, जिनका कोई अता पता नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, आज यहां तो कल वहां, ऐसा ही उनका बसेरा हुआ करता था। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है। और जब जिंदगी में घर का पता तय हो जाता है ना, तो मंजिल का पता भी अपने आप बनने लग जाता है।
जिनको घर मिला है, जिनके जिंदगी में अब अपना एक स्थायी, पीढ़ियों के बाद चार चार पांच पांच पीढ़ी में कभी उन्होंने पक्के घर में जिंदगी नहीं गुजारी होगी, क्या ये मौका नहीं है दोस्तों उनके पास जाने का? लिस्ट लेकर के उनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या उसको नहीं लगना चाहिए कि जिस कमल ने मेरे घर की दीवारें बनाई हैं, उस कमल को मैं अब दिल के अंदर जगह दे दूं? ये भाव उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता है? और इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए ये हमारा जो परिवार का विस्तार है, वो विस्तार अपने आप को फैलाने का है, ऐसा नहीं है, अनेक लोगों को अपने आप में समाने का है, हमारे भीतर समाहित करना है, हमारे सुख दुख का साथी बनाना है, और तब जाकर के एक ऐसा भाजपा परिवार पूरे देश में निर्माण होता है जो राष्ट्र के सपनों को पूरा करने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और इसलिए साथियों, इस सदस्यता अभियान को एक पवित्र कार्य मान करके हमने करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति सदस्य बनता है ना, जैसे कोई नया बच्चा स्कूल जाता है तो मां बाप कैसा माहौल बनाते हैं, तिलक करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसी भाव से सदस्य बनना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावरण में सदस्य बनने का मौका मिला, उत्सव के वातावरण में मैं सदस्य बन रहा हूं। हम भी सदस्यता अभियान को उत्सव में परिवर्तित करें। सामने वाला हमारे परिवार में जुड़ रहा है, मतलब हम बड़े गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहां आए। हमें यह भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तुम्हें मेंबर बना के, नहीं, आपने देश हित के लिए आगे आए हैं, हमारे लिए गौरव की बात है, आप हमारे एक साथी बन गए हैं जीवन में, इससे हमें और क्या धन्यता चाहिए। साथियों, आज जो 18-20 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने वो अखबार नहीं पढ़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाख का घोटाला हो गया, आज इतने करोड़ का घोटाला हो गया, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि 10 साल 11 साल के पहले देश की हालत क्या थे। उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते हैं, और तब जाकर के हमारी जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। क्या हमारा दायित्व नहीं है कि 18 से 25 साल की एक पूरी पीढ़ी को टारगेट करके, प्लान करके भारतीय जनता पार्टी से जोड़े, ताकि उनको भी पता चले कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे, उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे। एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको एमएलए एमपी के घर में चक्कर काटने पड़ते थे।